आप हमारे साथ चलिए मस्जिद काज और हम मस्जिद में न जाइए कभी हम नमाज पढ़े न जाइए हम भैंसी में रहते हैं काज कहता भैंसी में रहो तो हाँ तो सुन लीजिए भैंसी काय के लिए पूछते हैं का दूध के लिए काज बताइए जन्नत में दूध मिलेगा कि नहीं जन्नत में दूध मिलेगा काज मिलेगा का भैंसी रहेगी जन्नत में नहीं भैंसी तो नहीं रहेगी दूध का ना रहा है कि ना लेकिन भैंसी का जिक्र है जन्नत ना मौत का नार है कि नहीं शहद और मधुमक्खी है जन्नत में तो सब जन्नत को काट लेगी है नहीं कहा के चचा कहाँ उलझे हुए हैं यहाँ भैंसी में उलझे हुए हैं और वहाँ बिना भैंसी का अल्लाह ताला दूध का नार रखे हुए जन्नत में चलिए जन्नत में कहा कि बउआ कुछो कहो तो बाकी हम मस्जिद में न जाएंगे बताओ क्या है का ध्यान किला में बता दो आया किला में का कहे ले जाओ का इसलिए नहीं जाते जब हम नमाज पढ़ जाएंगे तो कौनो न कौनो नुकसान हो जाए कहियो हम नमाज पढ़े जब है जिंदा होता है आदमी का खड़ा है ना जब हम नमाज पढ़ने जाते हैं तो सब कुछ न कुछ हो जाता है का ऐसा कीजिए आप नहीं जाइए तो आप अपने बेटा को दीजिएगा जवान बेटा का हाँ उठ ले जाओ ले जाओ वो अपने नुकसान तो सब जानते हैं लेकिन ले जाओ कहा कि चल ऊंचा ले गया ऐसा की नमाज पढ़ाया और ऐसा की नमाज पढ़ा के आया कहे बाप की ना तो दस को शुरू हो गया वो जो प्रभा था उसको पकाना उकाना शुरू हो गया अब जब तक परेशानी हुई फजर तक परेशानी रही और लड़का को नहीं साहब करवा था तो ये फजर की नमाज पढ़ने भी चला गया फजर बाद बाद इंतकाल कर अब उपास ना रहा था कि बहु हमें पेट झड़े लगे हुआ तू गा रहे नमाज पढ़े हो हाँ जब नमाज पढ़े अगर घर का आदमी जाएगा कोनो ना कोनो नुकसान होगा आज बोलवे मर गया तो अब कहा कि अल्लाह अब क्या होगा कुछ दिन तक अपना हुआ था नजर नजर हो गया उसकी माँ कहती है कि बहु अरे अब तू बाहर चला जो कमाए तो बात ना हो तो तू बाहर चला जो कमाए कहा कि हम लोग बाहर कहा कि नदी में पढ़ा तो घर से निकाल देंगे तू कहा कि घर से निकाल दे तो वजू वजू करके चला जो मस्जिद में नमाज पढ़े एक ही नमाज पढ़े ये पता चलाएंगे अब दूसरा दिन पूरे बारी तो पूरा ये है नौजवान आदमी मुसा इस्लाम पर अल्लाह का है नूदिए या मूसा इन्नी अना रब्बुका फखलान अलैक इन्नका बिलवादिल मुकद्दस तुवा ए मूसा मुकद्दस वादी के अंदर तशरीफ लाए हैं आप अपना जूता उतार दे इन्नी अना अल्लाहु ला इलाहा इल्ला फअबुदुनी अल्लाह का तारीफ करा रहा है अपना कि मैं अल्लाह बोल रहा हूँ जब वो आवाज आई है तो मूसा अलैहिस्सलाम की कान से नहीं सुना पूरा जिस्म सुन रहा था रुआ रुआ सुन रहा था और कोई सिमत मुताइया नहीं थी हर सिर से आवाज आई थी मूसा अलैहिस्सलाम की आवाज कहाँ से आई अल्लाह ताला कहता है इन्नी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदुनी वअकिमिस सलाता लिज़िक्री ए मूसा मैं अल्लाह बोल रहा हूँ मैं माबूद बोल रहा हूँ मेरे अलावा कोई माबूद नहीं है और मेरी इबादत करो नमाज कायम करो मुझे याद करने के लिए इसमें आया इन्नी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदुनी कि मेरी इबादत करो और आगे बयान कर रहा है वो अकीमिस सलाता लिज़िक्री भाई तो नमाज इबादत में दाखिल ठीक नहीं पहले तो कह दिया ना कि मेरी इबादत करो तो इबादत तो नमाज है नमाज का जिक्र अल्लाह को कितना पसंद है अलग से जिक्र किया अलग से जिक्र किया कि नमाज मुझे याद करना है तो नमाज के साथ याद किया करो इस वक्त हर शख्स कहता है तुम मुसलमान बड़ी परेशान है मस्जिद में जाते हो ये एक आदमी था नमाज पढ़ने जुमा की जा रहा जुमा की नमाज पढ़ने के लिए चला जा रहा था तेजी में देखा गया थोड़ा गौर से सुनिएगा और पांच मिनट में वक्त खत्म हो गया नमाज पढ़ने जुमा की जा रहा देखा कि उसका एक साथी वजू कर रहा है देखा एक पति कवर में लगा हुआ है कहा कि वजू कर कहा कि टाइम ना देखा एक बज के पांच मिनट में खुतबा शुरू होगा वजू कर कहा कि पति कर कहा कि चलो चलो वजू में क्या उठा हुआ है चलो चलो नमाज छूट जाएगी भाई पर्स में लोटा छोड़ दिया चल गया और चला गया मस्जिद
मस्जिद में जाके दिया दिया जब तक एक रकत हो चुकी थी, अब एक रकत मिली उसमें नियत बांध के खड़ा हो गया। नमाज जब पढ़ के सलाह से मेरा ये अपने दोस्तों को बताया कि ठीक है तो आए तू हम वजू में उठाते हैं तो ये एक रकत ना दी। नमाज हो गई नमाज हो गई हाँ नमाज कायम करो अगर मुझे याद करना है। सब कौन लोग है जो जलसा के बाद आज से नमाज शुरू करेंगे? कौन लोग इधर नौजवान से भाग भागो शुरू कर देगा इंशाल्लाह सब शुरू कर देगा। अल्लाह ताला की तौफीक पर अता फरमाए। अल्लाह ताला की तौफीक पर।